नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों, आप देख रहे हैं GSTV। आज हम आपको एक छोटा सा तरीका बताएंगे। इस तरीके को सीखिए और सीखने के बाद में आप अपने पति या अपनी पत्नी के ऊपर इसका प्रयोग करें। अगर वो आपसे अच्छे से बात नहीं करते, एक दूसरे में कलेश होते हैं, तो इसे सही करने के लिए आप कर सकते हैं। और ये हमारा जो वीडियो है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा काम का वीडियो है, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। YouTube पर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो YouTube पर आप हमारे चैनल GSTV को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आप इस उपाय को करना चाहते हैं, और कहीं से भी आप देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा। प्लीज़ आप इस उपाय को पूरा सीखें और सीखने के बाद में किसी के भी ऊपर आप वशीकरण करें। और ये बहुत ही आसान तरीका है, नींबू द्वारा, नींबू से वशीकरण करने का बहुत ही शक्तिशाली तरीका बताएंगे। समय बिल्कुल भी आपका नहीं लिया जाएगा, कम से कम समय में आपको कुछ तरीके बताने जा रहे हैं। इस उपाय को सीख लीजिए और आज का आज ही कीजिए, आज ही करेंगे, आज ही आपको समाधान मिलेगा। तो आपको एक मार्केट से नींबू लेकर के आना है। नींबू पूरा साबुत होना चाहिए और नींबू को अच्छे से धो लीजिए, खुद आप भी अच्छे से नहा लीजिए, एक साफ़ कपड़े जो होते हैं वो साफ़ कपड़े पहन लीजिए और पूरब की दिशा में बैठ जाइए। पूरब की दिशा में बैठने के बाद में 108 बार आप अपना और उसका एक साथ नाम मिलाते हुए नाम का उच्चारण करें, और साथ ही साथ में अब आपको एक लाल कलर का पेन लेना है। लाल कलर के पेन के ऊपर आप नींबू के ऊपर कुछ लिखना है, और वो क्या लिखना है वो भी मैं आपको यहाँ से सब कुछ बता रहा हूँ, वैसा आपको करना है। दोस्तों, कोई भी रूठा होगा वो आपकी बातों पे हमेशा यकीन करेगा और आपसे प्यार करेगा। प्यार मोहब्बत को बढ़ाने के लिए, एक दूसरे में मोहब्बत को बढ़ाने के लिए ये बहुत ही असली एक तरीका है। एक बार इसे आप ज़रूर करके देखिएगा। तो दोस्तों, आपने नींबू ले लिया है, नींबू को अच्छे से धो लिया है, आप पूरब की दिशा में भी बैठ गए हैं। एक लाल कलर का पेन लेना है आपको, जिसमें नींबू को आप उंगलियों से पकड़ेंगे, जिस तरह पकड़ा जाता है उसी तरह आपको नींबू के ऊपर के हिस्से में आपको 7 लिखना है और नीचे के हिस्से में आपको 9 लिखना है, और 7 और 9 के बीच में आपको एक लाइन खींच देनी है, जो कि मैं यहाँ से आपको बताता जा रहा हूँ, आप वैसा वैसा ही करिएगा। मैं वीडियो में कुछ दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि कुछ समस्या है, इस वजह से नहीं दिखा पा रहे, वरना हम आपको ये करके भी दिखा देते। आपको एक नींबू लेना है, नींबू के ऊपर आपको जैसे जो कुछ बताया है आपको वैसे करिए और पलट दीजिए उसको, तो ऊपर आपको उसका नाम लिखना है और नीचे आपको अपना नाम लिखना है, उसके बीच में भी आपको एक लाइन खींच देगी। वीडियो को ध्यान से जब आप देखेंगे तभी आप सीख पाएंगे, वरना आप उल्टा सीधा कुछ करेंगे तो फिर असर भी नहीं करेगा, काम भी बिगड़ जाएगा। इसलिए आप इसको सही से करिएगा सूझबूझ के साथ में, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे कर सकते हैं, बिल्कुल घर बैठे कर सकते हैं। अब आपको इसके 4 टुकड़े करने हैं, यानी नींबू को काट दीजिए और 4 टुकड़े में बांट दीजिए। तो एक टुकड़ा पूरब फेंकिए, एक टुकड़ा पश्चिम फेंकिए, एक टुकड़ा फेंकिए दक्षिण की दिशा में। इसी तरीके से चारों टुकड़ों को आप अलग अलग दिशाओं में फेंक देंगे। ध्यान रहे कि जब भी आप इस उपाय को करेंगे तो आपको ये रात को 12 बजे के बाद करना है, और ध्यान से समझ लीजिए कि जब भी आप इस उपाय को करेंगे तो आपको कोई देखे ना, आपको टोके ना, पूछे ना कि क्या कर रही हो, ये क्या काम कर रही हो, तो आप बताओगे या झूठ बोलोगे तो उसका असर नहीं होगा। ध्यान रहे कि आप स्वयं अकेले हों तभी इस उपाय को करें। साथ ही साथ में अगर आप पुरुष हैं तब भी आप इसे उसी तरीके से करेंगे जिस तरह कोई स्त्री करेगी, क्योंकि इस उपाय को करेंगे तो सफलता आपको तुरंत मिलेगी, इसलिए नाजायज़ किसी के ऊपर ना करें। अब आपने ये चारों टुकड़ों को फेंक दिया है, आपको ये उपाय मंगलवार और शनिवार के दिन करना है। या तो आप मंगल को करो या तो आप शनिवार को करो, और इसी तरीके से यदि आप मंगल को कर रहे हैं
तो आगे मंगल जो आएगा उसमें फिर आपको यही करना है, या उसके बाद फिर मंगल आएगा फिर करना है, इसी तरीके से सात मंगल लगातार करना है। और अगर आप शनिवार को कर रहे हैं तो आपने जैसे आज शनिवार है आज किया, फिर आप आने वाली शनिवार को करोगे, फिर इसी तरीके से फिर उसके बाद आएगी शनिवार करोगे, तो आपको दिन पकड़ना होगा। या तो मंगल को करना शुरू करो या शनिवार को करना शुरू करो, माता रानी की कृपा रहेगी, असर ये तुरंत दिखाएगा काम। ये जो वशीकरण का कार्य बहुत तेज असर करता है, एक बार करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सामने वाले जो होते हैं वो रूठे हुए होते हैं, उनसे बात करना तो दूर, उधर अगर आप देख भी लेते हो तो वो बुरा मान जाते हैं। तो इस तरीके से माहौल अगर है तो आप ज़रूर करिए, और ये बहुत आसान तरीका है दोस्तों, ये बहुत ही आसान तरीका है। इसी तरीके से आप सात बार अगर ऐसा कर लेंगे तो कभी भी कोई उपाय आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप पहली बार से ही असर देखना शुरू करेंगे। तो दोस्तों जैसे आज शनिवार है तो मैंने आज आप लोगों के लिए ये उपाय बता रहे हैं हम, और उपाय को करिएगा तो कुछ बातों का ख्याल रखिएगा। जैसे मीट मांस मछली मदिरा वगैरह है, इसका सेवन आप सात दिन तक सात बार जब जब करें, सातों हफ्ते में सात हफ्ते तक लगातार आपको मीट मांस मछली अंडा वगैरह का सेवन नहीं करना। इन बातों का थोड़ा ख्याल रखिए क्योंकि परहेज़ बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से महिलाएं, तो महिलाएं भी जब सात बार लगातार करेंगी उनमें अगर वैसा समय आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, वो कर सकती हैं। ठीक है, अब आगे आप समझदार हैं, समझ ही रही होंगी, क्योंकि सात बार यानी कि सात हफ्ते आपको करना है, तो सात हफ्ते में तो वैसे समय आपके आ ही जाएंगे, तो उससे आपको डरना नहीं है, आप उसी समय में भी इस उपाय को कर सकती हैं। बस आप अच्छे से नहा धो लीजिएगा और कर लीजिएगा। चलिए, ये उपाय अगर आप करना चाहें तो सबसे पहले हमारे चैनल GSTV को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन के घंटे को दबाइए ताकि हमारे हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले, और कमेंट करके सब लोग बताएंगे कि आपको ये उपाय करना है। जो लोग भी इस उपाय को करना चाहें, अगर उनको अच्छा लग रहा है तो अपनी इच्छा अनुसार करेंगे, मगर कमेंट में बताएंगे कि हम ये उपाय आज करना चाहते हैं। ईश्वर की कृपा रहेगी दोस्तों, माता रानी की कृपा रहेगी, तो आप जो कमेंट करोगे उसके बाद फिर एक कमेंट करोगे कि मेरा काम हो गया है। मैं यही उम्मीद से ये वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, जो लोग मुझे कॉल करना चाहते हैं तो उनके लिए मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि कृपया मुझे आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करें। ये मेरा सामने स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर है, आप इसके ऊपर मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए व्हाट्सएप पे, हमारे यहाँ से काम कराने के लिए, जो कि स्पेशल काम होंगे वो आपका काम 100% हमारी देख रेख में, हमारे ध्यान में रखते हुए आपका काम किया जाएगा और 100% आपका काम होगा। तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में जो कि इसी से रिलेटेड होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।